भाई पान के पत्ते भी है. सो दिस इज दिस पान. या दिस इज दिस बीटल लीफ. किसी भी इंडियन शॉप को मेजर करना है तो स्टैंडर्ड वही होगा कि भाई लेज मसाला मैजिक मिलता है कि नहीं, थम्स अप मिलती है कि नहीं. Another rainy afternoon. I don't know what I'm to do. I just miss you. वॉर्सो के सेंटर के सेंटर में आपका स्वागत है गाइस. काफी अद्भुत जगह लग रही है. देखो लुई विटों, समझ रहे हो सिस्टम. हां बॉटम लेट्स में. या ठीक है. So this Alcon? is no. This is like a very cheap restaurant that I think back in the days was meant for workers, so they could eat warm meal, like is homemade meal. Is it the one where this babcha comes and gives? Yeah. Like a homemade meal at very cheap prices. So they still have so many places like this. Really? They are not as cheap as they used to be. Many of them, I think, they are government funded, or at least in some, you know. Some parts are government funded. That's why they are still able to keep the prices low. मैंने देखा है, I think in Czech Republic also and many European places there is. Germany में भी शायद, I'm not sure, है वहाँ पे भी ऐसा ही है कि ऐसी छोटी छोटी कैफेज होती है जो ना शायद government funded ही है and वहाँ पे दादियाँ होती हैं जो run करती हैं उसको and they give very very cheap meals but बहुत tasty स्वाद खाना बनाती हैं और आपको देती है. मतलब मार्केट के तो बिल्कुल आधे से आधे प्राइस में मिलता है आपको. तो करेंगे एक दिन वो ऐसा कोई रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे. थोड़ा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क वाला वाइब आ रहा है भाई, है ना. ओ ये है वो वाली वॉर्सो की बिल्डिंग, देख रहे हो गाइस ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे. दिस इज दिस वेरी फेमस. अगर आप वॉर्सो कभी भी वॉर्सो के बारे में देखोगे तो ये बिल्डिंग हमेशा दिखेगी आपको. कैसे दिखाऊं मतलब यही है, देख लो ये रही, समझ रहे हो. तो ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा फेमस. आई थिंक दिस इज वेरी कल्टुरिना. ओके दिस इज मेड, दिस वाज मेड बाय रशिया आई थिंक ना. ये रशिया ने बनाई थी बिल्डिंग. अभी इसका आधी मुंडी दिख रही है, पूरी तो दिख ही नहीं रही है, इतनी बड़ी है भाई. मतलब फिट ही नहीं आ रही है उसमें. बट यार ये तो अलग ही दुनिया लग रही है कसम से. वॉर्सो सैमसन की बिल्डिंग, मैरियट, ये वॉर्सो सेंट्रल स्टेशन. काफी बिजी हुआ यार, है बिजी लग रहा है यहाँ पे ये एरिया. और यही पे इंडियन दुकान है भाई कोई जहाँ पे हम आए. emptiness for Indian इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो काफी क्वाइट है. तो भाई घर पे राशन खत्म हो गया था तो हमने सोचा किसी इंडियन दुकान को एक्सप्लोर करते हैं. और हमारे काफी पास है एक इंडियन दुकान कॉल्ड लिटिल इंडिया यहाँ वॉर्सो शहर के अंदर. तो हमने कहा चलो देखते हैं भाई यहाँ की इंडियन शॉप कैसी है कंपेयर टू यूके में जैसे हमने देखी है लंदन में. वैसे ही होनी चाहिए सेम टू सेम. कोई नए आइटम है मार्केट में यहाँ पे एज कंपेयर्ड तो वो भी पता चल जाएगा. स्टैंडर्ड तो भाई किसी भी इंडियन शॉप को मेजर करना है तो स्टैंडर्ड वही होगा कि भाई लेज मसाला मैजिक मिलता है कि नहीं, थम्स अप मिलती है कि नहीं. ये दो यू नो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये जहरीली इंडियन शॉप है या नहीं है. तो चलो होपफुली हो सब कुछ. थम्स अप पीने का तो बहुत मन कर रहा है भाई. ठंडी सर्दियों में भी मजा आता है थम्स अप. ठंडी ठंडी गले में जब लगती है ना. जो लोग जुआबाजी करते हैं सट्टेबाजी करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफी वो कर रखे हैं, आयोजित कर रखी हैं चीजें. कसिनो भी है सेंटर में ही कसिनो है भाई बताओ. और ये आपका बैंक, बैंक पहले पलाओ पिकाओ पकाओ. अच्छा चलो भाई जो भी है. ये बड़ी क्यूट ट्रैम्स हैं इनकी ना. दो टाइप की ट्रैम्स हैं गाइस जैसे हमने पुराने वो व्रॉत्सव में देखी थी. एक ओल्ड ट्रैम्स है जो अभी भी चल रही है और वो मॉडर्न वाली भी है. बट ये ओल्ड वाली तो बहुत क्यूट लग रही है यार. दिस ओल्ड ट्रैम्स लुक वेरी क्यूट यार. They have this new one also, but like in Wrocław, they had the this old one. They old have one ka alag charm hai. Exactly that charm. Yeah. That it takes you back in a time. Yeah. Charm, you know, is like this Charmander. Yeah. The Pokemon Charmander. It's like that. Charmander. Pikachu, Pika Pika Pika. Oh, pata hai silly ko. Mujhe laga nahi pata hoga. Ye bhi Pikachu hi hai. Pokemon hi hai. Ye bhi hai. Nashe karti thi. Ye bhi Pokemon ki hai. Did you collect Pokemon? These Tazos? Yeah, from Lace. Yeah. Oh, tere aap ka. लंदन में नहीं है. लंदन में दे डिडंट हैव टैजोस. यू हैड टैजोस. वी हैड इट. दिस वन दैट यू पुट टू एंड फोर लेस इन लंदन. वी हैड देम इन लेस. या 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 आई नो. वी वर ईटिंग लेस लाइक क्रेजी. इसीलिए तो खाते थे हम. या एंड वी हैड दिस दिस शॉप इन स्कूल. या That it was selling snacks, yeah. and we were buying this lace from there. And then there, we were exchanging or playing. Haan, this, cards you know? भी आते थे यहाँ, but tazos were the best. Tazos, yeah. अरे tazo याद है भाई तेरे को. आजकल के boys girls tazos एक अलग cult हुआ करता था. कभी इतिहास के पन्नों में पलट के देख लेना जब आगे तुम्हारे बच्चे होंगे उनको दिखाना किताबों में क्या होता था tazo. I don't know अब मिलता है कि नहीं. I'm sure अब नहीं मिलते हैं. क्योंकि टैजोस के बाद आई थिंक वो 3D स्टिकर्स आने शुरू हो गए थे. तो टैजोस काफी काफी पहले आते थे भाई, काफी पहले.
पोकेमॉन। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है, इसका छत कहाँ है? हाँ ये रही। अरे भाई बहुत बड़ा है यार ये व्हाट्सएप तो। कहाँ है अपनी दुकान? देखा हमारी इंडियन दुकान के खोपचे में है कहीं। अच्छी अच्छी लोकेशन लग रही है, समवेयर इन द कॉर्नर। पार्किंग का मसला रहता है। हाँ देखा ना, देखा व्हाट्सएप में तो काफी इंडियन है यार। कह रहे हैं यहीं पे है कहीं, राइट साइड में। देख पहले फर्स्ट लोकेट द शॉप, मुझे लगता है पार्किंग उसके साथ में ही कर लेंगे हम। खुली होनी चाहिए भाई पहले तो, मुझे तो नहीं दिख रही यार यहाँ पे। यहाँ तो महंगी महंगी शॉप सी लग रही है। यही कुछ होगा। हाँ यही पे होगा, यही पे होगा। Is this shop there? Yeah, should be there for sure. Yeah, Little India. Yeah. Sylvia? Is it just me कि मुझे चाइनीज की स्मेल भी आ रही है? I'm feeling, smelling this Chinese food also. You? We just step outside the house and you're hungry. No, I'm not hungry, but I'm saying that खुशबू आ रही है चाइनीज खाने की। को मैंने खाना नहीं है। You actually have a very good nose for food. You will not smell anything. मेरी नाक धोखा नहीं देती भाई। जब वो तेल पे ना वो मसाला या कुछ प्याज डलता है, वो छींटा जो पड़ता है ना भाई, ओहो हो क्या ही बताऊं भाई मैं। ओह क्या स्मेल आती है। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट पार्किंग बहुत आगे है भाई। छौंका पड़ता ना, और भाई जब जीरे का और जिंजर गार्लिक का पड़ेगा तो भाई आएगी ना भाई खुशबू। चाइनीज़ वाले भी तो वो स्प्रिंग अनियन वगैरह स्टर फ्राई करते हैं तो आ जाती है भाई खुशबू। you know, this... ये तो और पास आ रही है। You know they have this TV show MasterChef. Yeah. And sometimes they give them this thing to do, like they give them a dish. Yeah. And they are telling them to name all of the ingredients in the dish. Acha. And you know the mere liye perfect hai wo. Who names the most ingredients? But I can smell Indian food actually as well. Bhai Indian, bhai mujhe lagta hai Indian restaurant bhi hai yahan pe. Shop bhi hogi, restaurant bhi hogi 100%. Oh, South Indian. Bhai वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपी सीड्स की छींटा है भाई, मस्टर्ड ऑयल पॉपी सीड्स। और डोसा बन रहा है भाई, मौक कसम डोसा बन रहा है आलू। हाँ भाई हाँ, यस यस इंडियन है भाई, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन है। आराम से भाई आराम से, रिस्पेक्टेबल स्ट्रेट चलो भैया। भाई देखो इंडियन लोग भी है भाई यहाँ पे। तो शर्म आ रही है, तो शर्म आ गया, शर्म आ रही है, चलो जलील तो हो रहा भाई। आई थिंक सो यार, मुझे दिखा था यहीं पे। हाँ 100% हाँ, ये रेस्टोरेंट है लिटिल इंडिया, शायद उसके आगे या रेस्टोरेंट, क्या पता रेस्टोरेंट के अंदर ही सामान मिलता हो, यू नेवर नो। ये तो थाई रेस्टोरेंट है। नो नो, देयर इज लिटिल इंडिया। ये रेस्टोरेंट तो कोई और है, मैंने कहा था थाई। देखा मैंने बोला था ना भाई, कुछ खुशबू तो आ रही है मेरे को भाई। ये तो बहुत बड़ी दुकान है सिल्ली, ये रहा भाई लिटिल इंडिया। ये तो काफी बड़ी लग रही है यार दुकान। इज दैट इंडियन रेस्टोरेंट? हाँ भाई इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, रेस्टोरेंट इन दिस की। चावल की बोरिया सामने ही रखी हुई है, समझ रहे तो। ओह सिल्ली, यहाँ तो इंडिया गेट राइस वगैरह भी है यार। लो हमारा इंडिया गेट भी है यहाँ पे। धनिया धनिया यार, कोरिएंडर भाई, भिंडी भी है भाई। यू वांट सम भिंडी? हैं भाई का सब कुछ है भाई, वाघ बकरी भाई। मामा अर्थ अभी नहीं, अभी पैसा नहीं दे रहे मुझे, वो स्पॉन्सर नहीं है मेरा मामा अर्थ। अभी मत खरीदो, बाद में खरीदना। सासू माँ, आई डोंट नो, ये कुछ बैंगन जैसा लग रहा है, बट ये आमला भी हो सकता है, आई डोंट नो। सासू बोल रहे काहे का इंडियन है तू। दांत कांति होगा पक्का। ले भाई, सिल्विया का दांत कांति मिल गया है। ले भैया, कहा था ना भाई, एक इंडियन शॉप की ऑथेंटिसिटी जाननी है तो किस से जानोगे? थम्स अप से भाई, थम्स अप। समझ गए, मिल गई भाई, मिल गई। तेरे भाई का थम्स अप ही चाहिए थी भाई। अगरबत्ती भी है भाई, इंसेंस, मदर विल लाइक इट। हाँ कल ले ले, मदर के लिए ले ले। हाँ ये तुम्हारे परांठे हो गए। हाँ भाई वो यूके वाला हिसाब है, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा ऑथेंटिक सी चीज़ें हैं। आशीर्वाद ब्रांड तो अपना यूके में नहीं मिलता है भाई। हल्दीराम से अच्छा कोई परांठा नहीं है भाई। मिक्स्ड वेज, नॉन कोरिएंडर, सारे अच्छे होते हैं। मे बी टेक दिस वन, लेंटल पराठा। ये दाल का पराठा खिलाते हैं सासू माँ को। दिस इज़ वेरी नाइस। नान, ये नान इतना अच्छा नहीं होगा यार। ले लो यार, पान के पत्ते भी है। सो दिस इज दिस पान, दिस इज दिस बीटल लीफ। ये तो अलग ही लेवल है भाई, कराओ टेस्ट कराओ क्या। कैन यू टेक पनीर? अच्छा पनीर, मुझे लगा पान। हाँ हाँ, एक आकर मेक इट, नो प्रॉब्लम। तक तक तक, ये सारे तो अपने यूके वाले ही है भाई, सब कुछ इनका कलौंजी।
मसाले वसाले सारे सेम है, इमली शान, हाँ ये ब्रांड तो हमारे अपने वो हैं यूके वाले ब्रांड से लिया। एक्चुअली सप्लायर मेरे ख्याल से सेम ही होता होगा, यहाँ तक दाल हाँ ले लो, दाल ले लो, ये वाली ले लो, ये भी अच्छी है तूर दाल, ये ले लो रेड वन, एक्चुअली हाँ हम लोग रेड वाली लेते हैं ना, मसूर मसूर दाल आई थिंक, हमारा सिस्टम मसूर दाल वाला है। You know, there is mixed also, if you want to take. ये वाली में सब कुछ होता है। I like this one because it cooks quickly. हाँ, बहुत जल्दी कुक हो जाती है। This is very healthy upma. She can take it if you want. This is like it tastes like the semolina a little bit. But it's very healthy. Oh, हल्दी नाम की पानी पूरी माँ कस उठा ले, जल्दी उठा ले, एक उठा ले, बड़ा टाइम हो गया भाई गोलगप्पे खाए हुए, उठा ले उठा ले। अभी हल्दी नाम भटूरा मिक्स भी करते हैं क्या, बट कर रही है सिल्ली भाई, मेरे को पता नहीं था भाई भटूरा भी आता है भाई हल्दीराम वालों को, हल्दीराम वालों अरे थैंक यू, करता करता हूँ, लेते लेते लेट्स ट्राई इट, अरे वाह दिस इज वेरी नाइस एज वेल, भेलपुरी सासू माँ के लिए ले आ रहे हैं कि यू नो थिंग्स दैट शी कैन ट्राई, और कैन टेक दिस नट क्रैकर आल्सो, ये हमारा दारू का चखना बहुत तगड़ा है कैसे बताऊँ भाई आप सामने, दिस इज वेरी टेस्टी बट इज वेरी स्पाइसी, फाफड़ा इज लाइक वेरी गुजराती, शी कैन ट्राई बट ये पैकेट वाला फाफड़ा है मुझे पता नहीं कैसा होगा, यू ट्राई समथिंग एल्स यार, हल्दीराम का बहुत सामान है एक्चुअली, इतना यूके में है नहीं हल्दीराम का सामान, वही मेरा मन तो कर रहा है सारी दुकान ले लूँ लेकिन तीन ही हाथ है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो हम यूजुअली लेते हैं वो सब अवेलेबल है, तो अ वेरी नाइस स्टोर वी फाउंड, अब तो मेरे को आना जाना रहेगा भाई यहाँ पे, अच्छा है भाई आप लोग को तो भाई छोटी मोटी चीज़ें अच्छी लगती है भाई, थोड़े स्नैक्स स्नैक्स हो गए बस यही लेके आया करेंगे यहीं से, देखो भाई कितना सामान आ गया है, या दस वॉज थिंकिंग यहाँ से ही राइस ले लेंगे, काफ़ी खर्च नहीं कर दिया, दो तीन चीज़ों के लिए आए थे, यही होता है फिर ये वो, फिर सिल्विया के आधे स्टफ तो तेरा ही था, हाफ ऑफ द स्टफ वॉज योर्स ओनली, सिल्विया को देखो पूरा हर चीज़ देख रही, कितना कितने का था, प्राइस कितना था, क्या था, महंगा है कम है, तुम्हारे भाई ने तो देखा ही नहीं भाई बिल्कुल भी, हो गया भाई ले लिया, अब क्या फायदा, व्हाट इज द फन नाउ टू सी इफ इट्स एक्सपेंसिव और नॉट, This coriander was very cheap. Oh, Sasuma kar di. It's very. Ah, dhania to in so India. Tell her in India when she buy when you buy vegetables from this, coriander and chili is complimentary. Because India, if you just cook them, tarbo, the coriander and chili is a darmati daya. Sir, India. यहाँ तो धनिया इतना महंगा है ना यहाँ पे भी इतना काफी सस्ता मिला यहाँ पे भी, एक एक ज़लोटे का था शायद, वन ज़लोटे नो हाउ मच वाज़ द कोरिएंडर, फाइव ज़लोटे, हाँ तो 100 रुपए का मिला, महंगा है इंडिया के हिसाब से बट यहाँ के हिसाब से बहुत सस्ता है, आई थिंक द बिल केम आउट टू बी अराउंड 138 ज़लोटे विच इज अराउंड व्हाट कितना हो गया 25 पाउंड, मतलब 2500-2500 आ गया, काफी सामान ले लिया बट ऑब्वियसली इंडिया में तो भाई आधे से आधे का प्राइस होगा बट ऑब्वियसली भाई बाहर होता थोड़ा प्रीमियम तो देना पड़ेगा बट मज़ा आ गया भाई देख के काफ़ी सवाल है, तो आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग या कभी हम व्लॉग बनाएंगे तो सासू माँ को ये टेस्ट करवाएंगे कि काफ़ी चीज़ें जो सासू माँ ने ट्राई नहीं करी है, तो इट विल बी फन टू, हाँ नान वाली हमने, हाँ पनीर का भी कुछ बनाता हूँ, मसाला पनीर बनाता हूँ, छोला भटूरा बनाऊंगा बट शेयर करना काफी मुश्किल हो जाएगा भाई क्योंकि हल्दीराम के अच्छे होते हैं, बट दिस हल्दीराम कंपनी आई एम ऑलवेज बीन इम्प्रेस्ड बाय, तो हाँ कोई मतलब भाई ये स्पॉन्सर्ड वो सिंह नहीं था कोई, हम वी डोंट नो एनीबॉडी, हम अपना आए और कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि भाई तारीफें क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि मेरे एरिया में तो भाई कोई ऐसा मिलता ही नहीं है, मतलब हमारे एरिया में देयर इज नॉट इवन वन सिंगल शॉप दैट हैज इट, तो थोड़ा दूर आना पड़ रहा था इसलिए तुम्हारा भाई ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया, बट या आई होप यू एन्जॉय टूडेज व्लॉग, आज थोड़ी सी बस यू नो हल्की फुल्की शॉपिंग करनी थी, हमने कहा आपको साथ ले चलते हैं क्योंकि इंडियन मसला था, तो बस चैनल पे बने रहो और जो नए हैं चैनल पे डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर करो सब्सक्राइब करो, यार क्या कर रहे हो 500 पार करवा दिए अब 1 लाख बोल रहे हो पीछे जा रहा हूँ 1 मिलियन भी कराओ यार अब क्या कर रहे हो भाई चलो अपना ख्याल रखना, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार, चलो मिलते हैं, तभी 2 थम्सअप लाई मैंने, 1 सासुओं को पिलाऊँगा एक खुद पीऊँगा और कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं करूँगा, चल थोड़ा एक पिला ही दूंगा, इसको वैसे भी पसंद नहीं है थम्सअप, तो तुम बोलो मेरे भैया शेयर क्यों नहीं करते